আরে সাটো ভবানী, আরে সাটো ভবানী, কেসে ভাউ বলি এসি পানি, মেরি সোনলি জয়ার দা, সে কারে দে মেহরবানিয়া, কারে দে মেহরবানিয়া, I'm
Oh, no, 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 no.
देखिए बंधु, इस प्रकार से छोचू भाट महलों में आ जाते हैं और छोचू भाट में गई कि हे महाराज बताओ मुझ गरीब को कैसे याद आया। भगवान देव नारायण कहते कि हे भैया भाट जाओ हमारे भैया भोला को लेकर के आओ। छोटू भाग ने कही कि हे महाराज मैं तो 80 बरस को बूढ़े आदमी हूँ, बिल्कुल मेरे चलने के लायक बस की नहीं है, मैं नहीं जाता। बिल्कुल बड़ा बूढ़ा भगवान देव नारायण ने मंत्री बुलाए, मंत्री इधर आओ जाओ, एक लोटा जल का लाओ। वह जल के छीटा भगवान देव नारायण ने छोटू भाट में मान दिया। छोटू भाट बन गए 16 बरस को। अब महाराज एक बात हो रही, कौन सी मुझे क्या पता है कि दुश्मन की गर्दन में भैया भोले मुझे कैसे कब और कहां मिलेगा। भगवान देव नारायण कहते हैं कि हे भैया भाट चलो माँ से पूछते हैं। दोनों प्रेमी माँ सागर के पास में आ जाते हैं। सज्जन भगवान देव नारायण ने कहा कि हे माँ बताओ हमारा भैया भोले दुश्मन के गड़रान में हमें कैसे कब और कहां मिलेगा। माँ साधो बताती है कि हे बेटा तुम्हारा भैया भोला दुश्मन की गड़रान में कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करते हो, गो भोजन को सुविधा तो जरूर हो। बिल्कुल बेटा अगर तुमको सारी बात को पता लगा गए तो पातो कलानी के यहाँ पहुंच जा तो कुछ सारी बात को पतो लग जाएगा। सज्जनों सरदारों गुर्जरों जब टाइम भोला गया था उस टाइम 6 महीने का था। मेरी माता बहनों अगर तुम्हारे कोई 6 महीने के बच्चे को उठा के ले जाए तुमसे क्या बीतेगी। इधर में भगवान देव नारायण ने अपने हाथ से चूड़ा उतारी और कहा कि भैया भाट ले चूड़ा मने ले जा और कहते ना भैया भोला से फिर से फंस गए हैं खेले चौसले। भगवान देव नारायण जन्म ले लिया है और भैया मेरी राम राम जाकी। बिल्कुल सज्जन सुबह को चलो भार और शाम के वक्त पातो कलारी के यहाँ पहुंच जाता है। रामा कितना हुई और कहा कि हे पातो मैं बकरावत भाट हूँ, भोला की गोद में आया हूँ, बताओ भोला मुझे कैसे कब और पापा बताते है सारी बात। अरे छोरा गुर्जर भोला का भूल पचेरी पे बैठ के बिल्कुल से पहले आता हो गो और सबसे पहले जाते हो गो बेटा शेर जैसी चाल हो गो और या उर्दू के बाजार के बीच में जो रास्ता जा रहे यही रास्ता पे है भूल पचेरी पे बैठ के आते हो। छोटू भाट ने टेम नहीं लगाई, लंबी निगाह पसारी, देखी तो छोरा गुर्जर भोला भूल पचेरी पे बैठ के ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा देख बताइए लाला, जैसे बंदूक की गोली। 24 रन की आई ले गई भोली आगे सोमनी गए और कहा कि भैया भोला अपने आप को याद करो, तेरे गांव भरने
दुश्मन की गर्दन में बंदी बना हुआ है। बिल्कुल ले ये चूड़ा बने पहन ले, फिर से बस गए लिखे उसने भगवान देव नाम अवतार ले लिया है। और भैया सोमो की माँ उसको पढ़ोवे, अरे दादा पुष्कर नहे बहुत नहे गे वो पुष्कर और न हो जे हो। पांच काम और कर ले। कौन से? जय मंगला हाथी और बड़ी घोड़ी की पंच उड़ानी है। बिल्कुल घोड़ियारी जाजम इन सब का मैं करूं और घर को चले। एक बात और सरदार, कौन सी रहेगी? जहाँ टाइम पुष्कर पे लड़ाई हुई थी वहाँ टाइम भेड़ा के हाथ में जो तलवार थी वो लकड़ी के काट जहाँ से पहले तलवार निकाली देखी तो लकड़ी के काट राजा थे। छेतु भाग ने कही कि हे भैया घोड़ा, अरे 24 को नाम लेने और यहाँ 24 भेड़ निकले धातु की बढ़ जाएगी। और भैया ऐसा करो और बेटा बताइए आप क्या हो सुना था भैया। देवी मनोहरण देलो होई देवी मनोहरण देलो दे दिए छीटा पानी के दे दिए छीटा पानी के ही देव देव बनाया ला।
नहीं आवे नहीं जानी।